सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग की फरमाइश में ये चीज़ बना रही हूँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं सुफियान और निदा पे प्रैंक, जो सब पे प्रैंक करता है आज उस पे प्रैंक होने वाला है। सो बहुत मज़ा आने वाला, एक्साइटेड हूँ मैं, डर भी है, एक्टिंग होगी कि नहीं होगी, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। सो प्रैंक ऐसा है क्योंकि उसने मम्मी अब्बा को बुलाया है उधर, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मैं और दानिश भी जा रहे हैं। सो मम्मी अब्बा तो निकल गए, मम्मी अब्बा ऊपर है, मैं उसके नीचे बैठी हूँ। सो अभी तक मम्मी अब्बा भी मेरे को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे ना ऊपर आ, सो मैं ऊपर आऊँगी। और प्रैंक ऐसा है, मैं घर छोड़ के भाग के सुफियान के पास आ गई और सुफियान को सब बता रही हूँ कि दानिश ने ऐसा किया वैसा किया। सो वो डर जाएगा, सो देखते आगे का रिएक्शन कैसा होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, तुम लोग भी एक्साइटेड रहो और एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल तो मैं नीचे बैठी हूँ, अभी मम्मी का फ़ोन आएगा फिर मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर जाके फिर धमाका फोड़ते हैं। क्या बोला, किस बारे में झगड़ा हुआ पर तुम लोग का, क्या टॉपिक पे हुआ? चिड़चिड़ करता था रास्ते में, चिल्लाते रहता। तुम अकेले आए, कैसे आए? तो हम लोग को बोलती थी साथ में आने का, सुबह से तो डरने का क्या, मान लो तेरी फैमिली नहीं है क्या? यहाँ चाहे पागल हो गई है तू, तो ये पहले क्यों नहीं बताया तुम नौशीन, अभी क्यों बता रहे हो? देन अभी बोलती है। हाँ पहले बता दो तो तुम पहले कुछ एक्शन लेते इस सारी चीजों पे। तो बात नहीं की तुम उससे? उसकी मम्मी को पता है कि घर वालों को बोलना, तो हम लोग क्यों नहीं बोले? अभी क्या उसका फोन आया, कुछ आया, तुम निकले तो वहां से। मुझे कुछ पड़ी नहीं है, वही पर है कि नहीं पड़ता उसको, मैं कहां वो कहां नहीं। तो उसके अम्मी अप्पा को बोल कैसा करता तेरे साथ में। उसके अम्मी अप्पा को बोल क्यों नहीं छोड़ेगा किसी के लिए अपनी जिद पे। अरे ये हम लोग को तो बोलती, हम लोग तो वहीं थे ना, नहीं बोलना चाहिए ना। मैं एक दिन चलेगा, मैं वापस से घर पे जाऊं तो अपनी रंग दिखाते। तो चल अपन बात करते उससे, वहां जाके बंबई जाके बात करते। चल तू बोल, तू अचानक यहां पर कैसे अकेले आ गए? तू तू पागल है? तू फोन तो करना था हम लोग वहां पर आ जाते। तू तो भारी पड़ रहा है इधर आई तो। लेकिन सामने वाला यही सोचेगा ना कि झगड़ा लगे भाई घर में भाग गए, जब भी झगड़ा का मतलब भाई का घर खाली है इसके लिए। वो हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक बार तुम जाके सामने वाले से बात करते और उसको बोलते हैं दो तीन दिन के लिए लेके जा रहा हूँ, सुकून से रहेगी वहाँ पर। तू फोन तो लगा उसको, मैं मेरे को मालूम ही नहीं हुआ क्या, मैं कैसे बोल रहा हूँ, सामने सामने बात करूंगा तो बेटर रहेगा ना।
वही बोलेगा कुछ भी नहीं हुआ, तेरी बहन भाग गई, वो ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन हम लोग उधर थे, हम लोग क्यों नहीं बोले? चलो चलो जाएंगे, चलो खड़ा रहो। मैं कहां जाएंगे अम्मी, वैसे ऐसा बैठेगी तो नहीं चलेगा। अपने भाग के पीछे भाग के नाम खराब होएगा, बदनामी होगी। हां तो थोड़ा उसको शांति से बैठने दो, अभी तो आई है वो। कभी नहीं आई है, कहां गई है अब वो? तब अपने घर पर समझ में आता, सीधे यहां भाग के आई हो। वो तो फोन करेगा ना, पर अगर वो नहीं करेगा तो वो तो नहीं हो सकती है, नहीं करेगा वो फोन। नहीं वो नहीं करेगा, नहीं फोन करोगे तो किस बारे में झगड़ा होगा? लेकिन टॉपिक तो बताओ क्या होता है, बस बात कर रही है। वही जो कुछ भी बोलो करने, मेरे को पसंद का कपड़ा नहीं पहनेगा, मेरे को नहीं पहनने का, ये नहीं करने का। तो लड़के लोग करते हैं किसी बात पे कौन लड़ता है? नौशी का ये भी मेरे को वाला चेंज हुआ है उसका पूरा। तो ये लोग भी करते हैं, नीता सुप्रिया भी लड़ते थे। हम लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ते हैं। नीता और शादी से पहले, शादी बाद अभी रंग दिखा रहे अपने। शादी के बाद सब कुछ चेंज होता है, फिर अपने को थोड़ा चेंज होता है। हम लोग की लाइफ जो चेंज हुई शादी बाद, चेंज होती है। तो अभी क्या करने का, अभी तुम क्या मतलब क्या फैसला लिया तुमने? तो नहीं जाना, पागल हो गई क्या? पहले से ठंडे दिमाग से सोच, बैठ, इतनी खाई इतनी जल्दी से निकाल दे, गुस्से का काम शैतान का होता है। इट इज ओके, तुम यहाँ रहो एक दो दिन, तुम्हारे कैसे मतलब थोड़ा दिमाग शांत होगा, उसका भी शांत होगा, तो दोनों वापस मिलोगे। हम लोग चलते हैं, पहले आप रुक जाए, अभी रात में चलते हैं, बैठ के आराम से खाना वाना खा ले यहाँ पर बैठ के, तो उनसे बैठ थोड़ा शांति हो जाएगी। चलते तो फोन तो लगा उसको यार, तो फोन नहीं लगा। मैं फोन लगा के क्या करूं? बाबू बोलेगा कि भाई भाई को फोन कर, डरा नहीं का यही बोलेगा। तू जरूरी था कि तू मैं वहां जाके बात करता हूं ना, साथ में चलते हैं, थोड़ा बैठते तो वो भी शांत हो जाएगा, उसको भी टाइम मिलेगा, इसको भी टाइम मिलेगा, बैठने दो ना इसको भी। जब ऐसी घायल करके मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, गर्मा गर्मी का माहौल है, फोन बोलना क्या, क्या हुआ, फिर खबर तो पूछ सकता है ना। हाँ मैं ऐसा कभी पूछा नहीं, अचानक फोन करके कुछ वो समझ नहीं आया, जब झगड़ा हुआ तभी फोन कर रहा है, ऐसे टाइम पे फोन तो बोलेगा ना। उसको भी ठंडा हो दो, इसको भी ठंडा हो दो, फिर रात में जाके बात करेंगे, दो दिन की बात है, वापस से लोग हो जाएंगे सॉरी। हां जबरदस्ती का तो पूरा बनेगा, अभी नहीं अभी बोल के खत्म कर उन्होंने। पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब, फालतू बात मत कर कुछ भी। छोटी छोटी बात छोड़ेगी, देखो नहीं रहने का ऐसा थोड़ी होता है। एक काम करो, एक बार कॉल तो कर लो। मैं कभी ऐसा बात किया नहीं, मैं कैसा कॉल करूँ की झगड़ा क्यों हुआ, क्या हुआ? अरे तुम नहीं समझ रहे, उसको भी शांत, रात में चलते साथ में घर पे बात करने के लिए। नहीं नौशीन, तेरे को भी अक्कल होना चाहिए, तो संभाल के। नहीं हर चीज नहीं करूँ, संभाल कर रहा हूँ, उसके अंदर भी होना चाहिए ना। तो तू बोल तो हमको, हम बोलेंगे ना, तू बोली कभी? हम लोग तो कौन सा नंबर डाल यहाँ चले आए, ये है क्या 996? नहीं तेरे को भी नहीं बोली, मेरे को फोन पे बोली कि मैं जा, तुम लोग कहाँ बोले तो मेरे घर पे तुम लोग नहीं ताला है, तो मेरे हम लोग तो यहाँ पे सुफियान की तरह आए ले। तू कहाँ में है? 8433 तो कौन सा है ये? 996 है। क्या करने का है, कैसी बात करती है? वो तो बना क्या बोलती, सुनते नहीं क्या बोलेगी? वो तो बच्ची है, तो बोलेगी, तो उसको ही रहने का ना, उसने करी है ना, उसको ही करने का है। शादी करना, शादी करना, शादी करना, करा दी शादी, अभी करो, अब यहाँ रहेगी, भाई की जान पे रहेगी। वो भी बता दे, नहीं रहने अपने वो चले जाती है, फिर फालतू बात करके बोला तो गुस्से में जबरदस्ती कुछ भी मत बोल। यही खराब आदत है, गुस्से में इंसान है ना हमेशा वो गलत चीजें करता है। रो मत, अभी पानी पी ले, पानी पी। पागल होगी तुम, ऐसे सब सोच रहे कि हम लोग को नहीं रखने का या कुछ ऐसा सीन? हम लोग चाहे तो पढ़ाया।
भी पी ले, पानी पी ले, पानी पी, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी, पानी पी ले। रोशन शादी के बाद में लड़की का वो ससुराल सब कुछ होता है, भाई माँ बाप सब कुछ, भाई कब तक रहेगा तेरे को? सपोर्ट भी तो करना चाहिए, दो चार दिन रखेगा। तो उसकी गलती तो क्यों नहीं कर रही है बाबा? उसकी गलती तो उसको ही बोलेगा ना। बोल रहे हो अभी तेरी से सुने तो तेरे को बोल रहे अभी उसकी आने तो उसको फोन नहीं लगा है। नहीं उठा रहा है। एक जो रो रही तो अब्बा भी रो रहे थे, मत रो जबरदस्ती फालतू में उठा ही नहीं रहा फोन। क्यों ला रहा है लेकिन ये अभी इतनी टाइम दिया कड़े भाई? कट करा दे, कट कर दिया। फोन उठा के जवाब तो दे रहे कम से कम। उसकी गलती है ना, लाजा उठाएगा। चलो अभी चलते, अभी निकलते। चलो 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 बहुत हो गया अभी, चल जाके उधर ही बात कर लेंगे। आपका क्या मतलब है? चल 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 उठ, चल रुको ना, देखो ना, चल वहीं चलते डायरेक्ट, चल 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 आया, चल डायरेक्ट वहीं चलते, चल चल उठ उठ, चल चल उठ, जाने लड़ाई झगड़े के घर नहीं हो जाए, बात करने आ रहे हैं। चलो 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 देख लेंगे, चलो एक बार ट्राई कर ले, एक मिनट। नहीं नहीं उठा रहा है, क्या करूं मैं बता, एक बार ट्राई कर लो, देख लो ना, अभी खुद ही बोल रही है बात कर, फोन लगा अभी बोल, एक बार ट्राई कर, चल लड़ रहे वही चल के बात करते ना, दिखे जब चल आ जा, चल 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 साले क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर खड़े रह के। कहा ये बुला इसको, जिसपे जो सब पे प्रैंक करता है उसके ऊपर प्रैंक हो गया। मेरी जगह पे कैमरा रखे, तुमको पता था? तो तुमने को क्या बोला? तुमको पता भी नहीं है? वो चौकी जाई देख रही, क्या करूं मैं, क्या करूं? ऐसा हो रही है, ऐसा ये कब से हो रही है? मेरी बहन जो ना एक्टिंग आती है, ऐसा हो रही है। मैं बोला दिल की बात है, ऊपर तो बोला भी जाए, कब से दिल की बात है, मेरा सच बोल रही क्या? मैंने पढ़ाया समझते मेरे को, ये कर दे सच बोल रही थी ना ये। चलो दानिश अभी आ रहा है ऊपर, उसी वजह ही चल आ गया। मेरी बहन को हाथ कैसा लगाया तूने? कैसा लगाया मेरी बहन को? हाथ कैसा लगाया? हाथ कैसा लगाया तूने? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, बेटा है, भाई बेटा है तुम्हारा, उम्र का लिहाज कर रहा हूं। तो सच बताना मेरी एक्टिंग कैसी थी, लगा के नहीं लगा? मैंने सच ही बोली है, मेरे को लगा रही थी अचानक से क्या हो गया, जो लास्ट में हुई ना वो रियल था, लेकिन मेरी विदाई याद कर ली थी, तुम लोग जूसी के प्रैंक का बदला लीगा। हंसने लगे, तब मैं बोली क्यों हंस रहे ये लोग, फिर तुम उठे, मैं दानिश ने फोन उठा लिया, तो तब मेरे को जब नौशीन देखी दिखी ना हंसते हुए, तब मेरे को मालूम पड़ा कि प्रैंक है, तो बोल देते मेरा पस्का करवाने से पहले। अरे इधर ही मालूम पड़ा पागल, यहीं पे जब मालूम पड़ा। तो ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो सब पे प्रैंक करता है, आज हम लोगों ने उसके ऊपर प्रैंक कर लिया। बहुत पहला तुम लोग एक्टिंग कितना खुश हो रही है, इसके साथ भी तो प्रैंक हुआ है, तू मेरे पर क्या, तुम्हारे साथ भी प्रैंक हुआ है। ज़्यादा फोकस तेरे पे था, तुम एकदम अग्रेसिव हो गए थे, मैं एकदम समझ नहीं आ रहा था मेरे को, बस दैट्स ऑल। बट अंकल इसलिए खुश हो रहे हैं, हर कुत्ते का दिन आता है, अंकल इसलिए खुश हो रहे हैं कि तुमने अंकल पे प्रैंक किए थे ना लास्ट टाइम।
मैं बड़ा बड़ा खाऊंगा सक्सेसफुल। सो कैसा लगा बताना कमेंट करके।